नमस्कार दोस्तों, बब्लू अडानी में स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो भी अडेनियम है, मैं इससे पहले भी इसका वीडियो बना चुका हूँ। और आप ये जब तक एक ही प्लांट के बारे में देख लीजिए, मैं ये मतलब कितना घना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लगभग, ठीक है। और प्लांट का साइज़ भी देख सकते हैं कि लगभग एक साल का कोडेक्स या दो, मतलब लगभग 2-2.5 साल का कोडेक्स होगा। और जितने भी मतलब आप देख रहे हैं, सब प्लांट सभी अच्छे हेल्दी हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। तो इस सब का मतलब इतना अच्छा होने का राज क्या है, यानी कि इसका सॉइल मीडिया प्लस इसका इतना घरा होना और इतना ग्रीननेस, जैसे कि एक ये प्लांट देख लीजिए और एक इधर प्लांट देख लीजिए, ठीक है। और ये सब रूखा सूखा, यानी कि रौनक नहीं है इसके अंदर, प्लांट में पत्ती ज़्यादा डेवलप नहीं है और बहुत ही कम पत्ते हैं, छोटे छोटे पत्ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कम मतलब पत्ती का साइज़ भी छोटा है, ठीक है। और जहाँ तक इसमें इसका रौनक में और इधर का रौनक में बहुत ही काफ़ी अंतर है। तो इस सब इसका मतलब क्या कारण हो सकता है, क्यों? देखिए, एक और मैंने प्लांट आपको हटाया और देख रहे हैं कि कितना अच्छा रौनक है। तो देखिए, मैं दो ही प्लांट नीचे उतारा हूँ, क्योंकि सभी प्लांट तो नीचे उतार के दिखाऊंगा नहीं। और वैसे भी एक और मैं प्लांट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है रौनक, मतलब इसका क्या होता है, मतलब ग्रीनेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ये दोनों प्लांट का ग्रीनेस देख लीजिए, मतलब पत्ती में शाइनिंग और कोडेक्स भी पूरा एकदम हैवी और अच्छा है, ठीक है। तो इस सब का कारण क्या है, और इसके साथ एक मैं आप कंपेयर करता हूँ अपना दूसरे प्लांट को, ठीक है। तो इसका मतलब उतना अच्छा नहीं है। देखिए क्या दिख रहा है आपको, पहले दिख रहा है कि ये तीनों में पानी, मतलब तीनों प्लांट में ये नमी बना हुआ है, यानी कि ये गीला है, ठीक है, पानी का संकेत, इसमें पानी नहीं है। देखिए रौनक आने का पहला है जी, मतलब लोग बहुत लोग डरते हैं कि ज़्यादा पानी अडेनियम को देंगे तो अडेनियम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कम पानी देंगे तो अडेनियम नहीं खराब होगा, कोई गारंटी देगा? कोई गारंटी नहीं देगा, ठीक है। यानी कि आप ज़्यादा अगर पानी देते हैं तो अडेनियम खराब हो जाता है, ठीक है, और कम पानी देते हैं तो क्या नहीं खराब होगा? फिर भी खराब होगा। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा उसको रिक्स लिया जाए, यानी कि उसको थोड़ा सा केयर किया जाए अच्छा से। देखिए मेन है पानी का कम देना, जितना अच्छा से आप पानी इसको दीजिएगा उतने अच्छे से ही ये अपने पत्ती को डेवलप करेंगे। इसको अगर हम गर्मी में बरसात का एहसास दिलाएंगे, बरसात का एहसास का मतलब थोड़ी कि मतलब सुबह भी दिया, शाम को भी पानी दिया, दोपहर भी पानी दिया, रात को भी पानी, ऐसा नहीं। बारिश का एहसास का मतलब कि इसको टाइम टू टाइम पानी दे दीजिए और टाइम टू टाइम थोड़ा सा पानी का फवारा मार दीजिए, ठीक है, उसके पत्ती उत्ती पर शाइनिंग आने के लिए, ठीक है। और मैं और इसमें वो चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी मैं कल मतलब बहुत लेट से घर आया और सारे गमले में पानी देने में मतलब तो बहुत ही मतलब टाइम लग जाता, फिर सुबह वर्किंग टाइम भी जाना है, तो इसके चलते मैंने कुछ प्लांट में ही पानी दे दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं कल शाम को पानी दिया हूँ और ये अपने कोडेक्स को पानी एकदम मेंटेन करके, जैसे कि इसको मैं पुश कर रहा हूँ तो मतलब नहीं दब रहा है या कुछ हार्ड हो गया है, तो मैं इसको पानी मेंटेन कर दिया हूँ, यानी कि पूरा इसको पानी पिला दिया हूँ बढ़िया से। अब इसको मैं एक दिन या दो दिन के लिए भी नहीं दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए, यानी कि जब तक ये इसका रंग ड्राई नुमा इस तरह से ना हो जाए, ठीक है, ये देख रहे हैं ये मतलब ड्राई है, जब तक इसका रंग इस तरह से ना हो जाए तब तक मैं इसको दोबारा पानी नहीं दूंगा, या दूंगा तो एक दो दिन के बाद दूंगा, ठीक है। तो अब रह गया कि पानी हमको कब देना है, मेन पॉइंट कि हमको पानी कब देना है, दिन में देना है, रात में देना है, सुबह देना है, मतलब जो भी। तो फिलहाल देख रहे हैं कि लोग इतना आज मतलब 2022 में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, इतना ज़्यादा मतलब टेम्परेचर हीट हो गया, यानी कि अभी जो अप्रैल का लास्ट चल रहा है और ये एहसास दिला रहा है, मई और जून का एहसास दिला रहा है, ठीक है, लू भी चल रहा है, गर्म हवा भी चल रही है और टेम्परेचर लगभग 42, 43, 44 तक चल जा रहा है, 41, 40+ है। तो उसके अपेक्षा आप इसको क्या कीजिए कि आप रात को पानी दे दीजिए, शाम को, ठीक है,
एक बार शाम को अगर आप पानी देते हैं इसमें, यानी कि आप इसको पूरी तरह पानी मेंटेन करते हैं, तो पूरे रात ये पानी अपने अंदर कोडेक्स को खींच कर और अपने आप को मेंटेन रखेगा और पूरा दिन ये अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा, अच्छी तरह से चलेगा, दिन भर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट फिर उस दिन आप शाम को आकर चेक कर लीजिए कि इसका पानी कम है या नहीं है, ये मेंटेन है। अगर लगता है कि आपको पानी इसका दिन भर में ख़त्म हो गया, ज़्यादा पानी मतलब इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट है, तो थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का फवारा दे सकते हैं। अगर भरपूर पानी देना है तो एक दिन गैप करके आप दे सकते हैं, या आप रोज़ भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि पत्ती जितना ज़्यादा पत्ती होगा आप उसको पानी उतना अधिक दे सकते हैं। पत्ती अगर कम है तो पानी रुक रुक के देना है, यानी कि कम देना, क्योंकि पानी निकालने वाला इसका यही एक काम करता है, इसी से ये पानी निकलता है। तो जितना ज़्यादा पत्ती है उतना ज़्यादा आप पानी इसको दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि बारिश जैसे बारिश आएगा ना, ये पत्ती और घने हो जाएंगे और डेवलप हो जाएंगे और ज़्यादा मतलब किस किस को लगेगा कि इसको और पानी खत मतलब कैसे पानी मैं निकालूँ, तो पत्ती से ही पानी निकलता है। तो इसका मेन मेरा मतलब कहने का यही कारण है कि इस सब में मैं पानी ज़्यादा दिया हूँ। क्यों दिया हूँ? क्योंकि इसके पत्ती ज़्यादा डेवलप हैं, अगर मैं इसको पानी नहीं दूंगा तो ये मतलब बहुत ही बहुत जल्दी ही ये ग्रोथ इसका स्लो हो जाएगा और ये सर्वाइव जल्दी मतलब फिर इसको मेंटेन करना कुछ टाइम 15 दिन 20 दिन फिर नहीं चलेगा। इसलिए मैं पानी इसमें ज़्यादा देता हूँ कि इसमें पत्ती बहुत ही ज़्यादा घने हैं, और ज़्यादा घने पत्ती होगा तो आप इसको पानी दीजिएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पानी फिर भी आप मतलब मेरा मेन एक ही उद्देश्य है कि गर्मी के मौसम है, और गर्मी के मौसम में अगर आप शाम को पानी देते हैं, एक टाइम शाम को पानी देते हैं, तो ये दिन भर अपने आप को मेंटेन रखेगा। शाम को प्योर शाम को देखिए पानी, आप कैसे जानिएगा कि इसका पानी मेंटेन है या नहीं मेंटेन है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मेरा जैसे कि होता ना कि हर प्लांट को आपको मतलब कैसे मालूम चलेगा कि वो भरपेट खाना खा लिया या नहीं खाना खाया है, ठीक है? तो इस पर भी वीडियो आएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि पानी आप टाइम टू टाइम दीजिएगा, तभी प्लांट में शाइनिंग आएगा, प्लांट ग्रो करेगा, ना कि पानी कम देने से ग्रो करेगा। पानी ही इसका मतलब हर चीज़ को पानी चाहिए, ऐसा नहीं कि लोग डर जाते हैं कि नहीं एडेनियम को ज़्यादा पानी देंगे मर जाएगा ये वो, ऐसा कोई बात नहीं है। मरना जीना तो आपके हाथ में थोड़ी है, नहीं भी दीजिएगा तो भी मरेगा, पानी दीजिएगा तो भी मरेगा। हो सकता है कि पानी देने से आपका ये प्लांट कुछ अच्छे तरह से रैंक करे, मतलब अच्छी तरह से ये शाइनिंग करे, तो वही है। और मेन है कि शाम को शाम पानी दीजिए, शाम को एक बार पानी दीजिए और एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, भूल जाइए। फिर जैसे मैंने इसको कल शाम को दिया तो आज तक आज भर ये ठीक है, आज भर किसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आज एक दिन चला। फिर मैं कल शाम को इसको चेक करूंगा, अगर ये पानी शाम तक सूख जाता है फिर मैं कल शाम को दे दूंगा या परसों सुबह दे दूँगा। मतलब कहने का मतलब कि इसको टाइम टू टाइम मेंटेन रखना है। तो बस यही है मेरा प्लांट का साइनिंग होने का कारण। और एक चीज़ और चीज़ दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं देखिए कुछ सही भी दिखाऊंगा तो कुछ गलत भी, जैसे कि मेरे यहाँ अगर कुछ ख़राब हो रहा है वही चीज़ दिखाऊंगा। देखिए ये मेरा शेड से टूट गया था, तो इसको मैं सनलाइट में रखा हूँ इसलिए कि ये यहाँ से ठीक हो जाए, क्योंकि वहाँ उधर मेरा गार्डन में सेट गिर गया था। और दूसरा नंबर की दोस्तों ये देख रहे हैं कि हमको इधर इसको अच्छा लग करते करते हमको यहाँ ब्लैकनेस दिखा, ठीक है? हालांकि ये ख़राब नहीं है, ये हार्ड है, फिर भी मैं इसको संडे को निकालूंगा क्योंकि उस दिन ही मैं छुट्टी रहता है, तो इसको उस दिन निकाल के यहाँ दिखाऊंगा कि इसका क्या प्रॉब्लम है और इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। और दूसरा नंबर सर दोस्तों कि एक प्लांट मेरा ख़राब हो रहा है फिलहाल, देखिए गर्मी में, देखिए ख़राब होने का कारण भी क्या। अब ये देखिए दोस्तों इसमें पत्ती बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और इसमें पत्ती बिल्कुल भी नहीं है, और ये एक दो ये खराब मतलब बहुत पहले से ही ख़राब हो रहा था, और इधर येलो येलो भी हो गया है, इधर भी मतलब अच्छा नहीं है, तो ड्राई नुमा भी हो गया है। लेकिन ये बड़े गमले में लगा है, इसका मेन ख़राब होने का पहला कारण, ठीक है? पत्ती नहीं है, बहुत बड़े गमले में है। और ये देख सकते हैं दोस्तों इधर भी ये मतलब डेड है। तो कहने का मतलब कि ये ख़राब हो रहा है लेकिन ये बच सकता है, लेकिन इसको मैं क्या करूँगा ट्रीटमेंट संडे को दिखा दूँगा, ठीक है? छुट्टी में, क्योंकि मैं अभी दिखा रहा हूँ कि ये ख़राब हो रहा है। मेन कारण पत्ती नहीं है और पानी ज़्यादा, बस ये जान लीजिए। क्योंकि देखिए पत्ती रहेगा तभी आप पानी ज़्यादा दीजिए, अगर पत्ती कम रहेगा तो पानी थोड़ा थोड़ा दीजिए, उसको उतना ही दीजिए जितना वो मतलब सर्वाइव कर पाए, उतना पत्ती में उतना पानी में वो ले पाए, ना कि मेरे कहने के अनुसार आप पूरा गमले में भर दीजिए पानी और प्लांट को ख़राब, ऐसा बात नहीं। पत्ती जितना पत्ती घना उतना ज़्यादा पानी
जितना पत्ती कम उतना कम पानी, बस ये जान लीजिए एक ट्रिक, ये पॉइंट है कि जितना पत्ती आपका ज़्यादा रहेगा, घना रहेगा, आप उसको पानी शाइनिंग देते रहिए, वो बरकरार रहेगा, अच्छी तरह चलेगा। तो बस वीडियो पसंद आएगा और मेरा नॉलेज आप संतुष्ट होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।